हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज की डिक्शनरी से जो शब्द हमने निकाला है वो बहुत बेनिफिट होने वाला है सोशल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो वर्ड है वो है अल्कोहल डिपेंडेंस, यानी कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंट या अल्कोहल डिपेंडेंसी इस फिनोमिना को। तो ये क्या है और ये क्यों होता है? सबसे पहले क्यों होता है उसको समझिएगा। जब कभी भी कोई व्यक्ति पहली बार शराब लेता है तो शायद उसको वो अच्छा फील ना हुआ हो जैसा वो पहले कभी सोच रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो उसका दोबारा तिमारा यूज करता है तो उसकी बॉडी उसको एडजस्ट करने लगती है और उससे उसको यूफोरिया का एहसास होने लगता है। यूफोरिया एक ऐसा एहसास है जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को सपनों की दुनिया में खो देता है, यानी कि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली होता है। अगर रियल लाइफ में कुछ चीजें साथ नहीं दे रही हैं, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा, उसको लव नहीं कर रहा है, तो वो डिप्रेस हो चुका होता है और वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगेगा, तो फिर अपनी ही एक दुनिया सपनों की बनाने लगेगा। जब कोई अपनी सपनों की दुनिया खुद बनाता है तो हर एक चीज उसी के फेवर में जाती है। अब वो जो चीजें उसके अगेंस्ट हुआ करती थी बिफोर टेकिंग अल्कोहल, वो चीजें उसके फेवर में होने लगेंगे, तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो वो अच्छा फील करने के लिए वो फ्यूचर में दोबारा अल्कोहल का यूज करने लगता है और धीरे 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 उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा मेंटल सिचुएशन उसके लिए डिपेंड हो जाता है कि मुझे अब अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेट्स कंज्यूम सम काइंड ऑफ अल्कोहल, फिर से वो पहले वाली फीलिंग अल्कोहल वाली फीलिंग हम ले सके, इसीलिए वो अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है। तो सिंपली ये जो वर्ड है वो दो शब्दों का बना हुआ है, अल्कोहल और डिपेंड, यानी कि अब कोई व्यक्ति जब अपने प्लेजेबल एक्टिविटी के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए, रूटीन वर्क के लिए अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाए तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी। ये बहुत बेकार सिचुएशन है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि समय के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो एज सून एज पॉसिबल जब आपने डायग्नोस किया कि आपके कोई नियर एंड डियर पास वाले व्यक्ति को अल्कोहल की प्रॉब्लम शुरू होने लगी है, उसी समय एज सून एज पॉसिबल उसको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए, उसके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए इस अल्कोहल के डिपेंडेंसी को कम कर दीजिए। वरना एक बार डिपेंडेंसी बड़ी हो गई तो फिर उसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो उसको बहुत सारे विड्रॉवल सिम्टम देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा है कि अल्कोहल की डिपेंडेंसी को कम करें। तो लास्ट कंक्लूड करते हैं, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी काम को करने के लिए अल्कोहल के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो उसको हम अल्कोहल डिपेंडेंस कहते हैं। जैसे कुछ मजदूर अपने आप को सख्त रखने के लिए, ताकतवर बनाए रखने के लिए कुछ भी काम करने से पहले और काम करने के बाद अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, और उनका यह कहना है कि अगर वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है उनकी बॉडी, उनका फिजिक्स अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ लोग जो मेंटली वर्क करते हैं, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह काम करते हैं, उनका यह कहना होता है कि जब तक अल्कोहल नहीं मिल पाएगा हम अच्छे से फिजिकली उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो उनका जो मेंटल सिचुएशन है वो अल्कोहल पर डिपेंडेंट है। तो सिचुएशन कोई भी हो, टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अल्कोहल के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन को अल्कोहल डिपेंडेंट और उस व्यक्ति को अल्कोहल डिपेंडेंट व्यक्ति या पर्सन कहेंगे हम। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।